देखिए ना रीटा जी, ये नालायक इस बार फिर फेल हो गया। अरे शर्मा जी, आप क्यों चिंता करते हैं? इसे मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी और राजू को तो मैं पर्सनल क्लासेस दूंगी। कल से आप इसे मेरे पास भेज दीजिएगा। जी ओके, चलो बेटा। आंटी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? अरे पढ़ाई वढ़ाई बाद में करना, ले चॉकलेट खा। आंटी आप ये सब क्या कर रही है? कुछ नहीं बेटा, तुझे जन्नत दिखा रही हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। अगर तूने ये किसी को भी बताने की कोशिश की है अपने बाप को, तो पुलिस को कह दूंगी तूने मेरे साथ गंदा काम किया है, जिंदगी भर जेल में रहना। मिस्टर शर्मा, आप सही कहते थे, इसका पढ़ाई में सच में बिल्कुल मन नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, बदतमीजी से जवाब देकर भाग गया। नहीं पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। चुप नालायक। पापा मेरी बात तो सुनो, मुझे इनके साथ नहीं पढ़ना। खामोश नालायक, आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मिस्टर शर्मा, बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, आप जाइए, मैं इसे पढ़ाती हूँ। पापा पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, पापा मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। आज जो मैंने कहा और तूने नहीं किया, इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी, चक्की पीसेगा जिंदगी भर जेल में। मैं कुछ नहीं करूंगा। बताऊं तेरे बाप को, पीटेंगे अभी तुझे आकर। तुझे पता है ना, तेरा बाप तेरी नहीं बल्कि मेरी सुनता है। चल मेरे साथ। काश मैंने तेरी बातों पे विश्वास कर लिया होता।